म्योरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बनम्हारे आजादी के 72 सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के ग्रामीण बैठने के लिए ग्रामीण पेड़ का सहारा लेकर बैठते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में आज तक ना तो पंचायत भवन बना ना ही सामुदायिक भवन बना, जिससे हमें गांव के विकास संबंधित बैठक करने में परेशानियां होती है। कहा कि बरसात के मौसम होने के कारण बहुत दिक्कत होती है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामकेश ने बताया कि मैं ब्लॉक मुख्यालय में कई बार लिखित शिकायत कर चुका हूं, पंचायत भवन व सार्वजनिक समुदाय भवन के लिए लिखकर प्रार्थना पत्र दिया हूँ, इसके बावजूद आज तक ब्लॉक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बताया कि विद्यालय जब खुला रहता है तो विद्यालय में हम बैठक कर लेते हैं। साथ ही बताया कि गांव में कोई भी सरकारी भवन न होने के कारण बेटियों का बारात आती है, बारात रुकने में भी बहुत दिक्कत होती है। नाम है? मेरा नाम रामकेश है। क्या समस्या है यहाँ पर? जो है हमारे यहाँ बहुत समस्या है, जो है यहाँ न तो पंचायत भवन है न सामुदायिक भवन है। यहाँ की 310 आबादी है और जब स्कूल नहीं रहता है तो हम लोग कभी स्कूल में जाके पंचायत कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, खुली मीटिंग वगैरह। अगर स्कूल चलता है तो कुछ पीरियड में कभी सार्वजनिक मीटिंग करना होता है तो हम लोग पेड़ के नीचे ही बैठ करके, जहाँ खड़े हैं इसी जगह पेड़ के नीचे बैठ कर मीटिंग होती है हम लोगों की। हम लोगों ने सरकार से कई बार मांग की है, अभी तक नहीं मिल पाया, फिर भी प्रयास किए हैं, लिख के दिए हैं, अब कब तक मिलता है अब तो सरकार के ऊपर है। हमारा दुदिल नाम है। क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ बहुत कुछ की है, बताइए क्या मतलब क्या है? देखिए यही समस्या है, हम लोग जब मीटिंग करते हैं पेड़ के नीचे बैठ करते हैं तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, हमारे यहाँ मतलब सामुदायिक भवन नहीं है, न यहाँ पे पंचायत भवन है, कोई यही बहुत दिक्कत है। तो बरसात के दिन में आप लोग कैसे यहाँ मीटिंग करते हैं? तो कभी स्कूल खुला रहता है तो स्कूल में जाते हैं और ना इसी पेड़ के नीचे होता है, बहुत दिक्कत यहाँ पर यही है। आप लोगों से निवेदन है, सब सरकार से भी निवेदन है कि इसके लिए भाई मांग कर रहे हैं, तत्काल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर एक पंचायत भवन बन जाए तो हमारे गांव की काफी हद तक समस्या खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार विकास की गंगा बहा रही है और दूसरी तरफ अति दुरूह क्षेत्र में विकास का नामो निशान नहीं है। आज भी हम ग्रामीण डिबरी युग में जीने को विवश है, हमारी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। कहा कि गांव में न लाइन है न पंचायत भवन है, सिर्फ शौचालय बनवाने से ही स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं होगा। कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी ग्राम पंचायत बनम्हारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए गांव में विद्युतीकरण पंचायत भवन बनाने की मांग की है। वहीं एडीओ पंचायत रविदत्त मिश्र ने बताया कि अभी तक कोई भी पंचायत भवन निर्माण के लिए बजट नहीं आया है, जैसे ही बजट आता है प्रथम प्राथमिकता बनम्हारी में पंचायत भवन बनवाना ही है। सर, ग्रामीण ग्राम प्रधान पेड़ के नीचे बैठ के करते हैं पंचायत अपने गांव का विकास का बात, वहां एक भी पंचायत भवन आज तक नहीं बना, इस पर क्या कहना है सर? अभी शासन द्वारा कोई भी पंचायत भवन इस विकास खंड को नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।